Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar amri hello dear students welcome to lecture number 6 of biology preparation for pmc national mdcat 2021 and today we are going to discuss introduction to biomolecules and bioelements we will also learn introduction to metabolism and the concept of hydrolysis and condensation in this video बच्चो so, तो आप जानते हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में जो अब तक पांच लेक्चर्स हमने इसके लिए हैं सिलसिले में तो उसमें आपको याद होगा हमने जो पहला यूनिट था वो सक्सेसफुली कम्प्लीट कर लिया है जिसमें हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था तो आज हम इस लेक्चर नंबर सिक्स से आगाज कर रहे हैं सेकेंड यूनिट का जो हमारे इस पी एम सी नेशनल एमडी कैट का पार्ट है तो इस सेकेंड यूनिट का टाइटल है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के टाइटल के साथ पूरा एक चैप्टर एफ एस सी की बुक्स में भी मौजूद है और इसी तरह से आपने लेवल्स के अंदर भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हुआ है अगर हम इस सिलेबस के ऊपर एक थोड़ी सी नज़र दौड़ाएँ ये सिलेबस जो 2020 नेशनल एम डी कैट में प्रपोज किया गया था और उम्मीद है कि इस साल भी आलमोस्ट यही सिलेबस रहना है कोई इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगी तो अगर आप इस सिलेबस को एक नज़र देखें जो इस यूनिट से सिलेबस पिक किया हुआ है तो उसमें आप देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के जिन कंटेंट्स को यहाँ पे हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन के सिलसिले में वो है इंट्रोडक्शन टू तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाटर कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें डी और आर दोनों शामिल हैं और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और इन टॉपिक्स के ये लर्निंग आउटकम्स आप देख रहे हैं तो इनफैक्ट आलमोस्ट पूरा चैप्टर आपको ये कवर करना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस दो तरह से है एक तरफ तो देखिए ये चैप्टर हमें हेल्प करेगा मुख्तलिफ जो आगे अभी यूनिट्स हमने पढ़ने हैं ख़ास तौर पर बायो बायो इनर्जेटिक्स जिसमें फोटोसिंथेसिस और रेस्परेशन की स्टडीज़ की जाएंगी तो ये बायो इनर्जेटिक्स कम्प्लीटली डिपेंड करता है इसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर तो हमारे अगर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कॉन्सेप्ट्स अच्छे क्लियर हो जाएंगे तो बायो अनर्जैटिक्स को भी ज़्यादा अच्छा हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे फिर इसी तरह से आगे चलकर जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दाखिल होंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उस मोलिकुलर जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है तो इन शॉर्ट आप यूँ कह सकते हैं कि बायोलॉजी के मुख्तफ़ एरियाज़ को डिस्कस करने के लिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है जिस तरह आपको बायोनोजेटिक्स बताया मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इसी तरह से आगे आने वाले यूनिट्स में जब हम फिजियोलॉजिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे यानी फंक्शंस की स्टडी करेंगे तो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के दौरान भी हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का नॉलेज रिक्वायर्ड होगा तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कवर करना इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें आने वाले यूनिट्स में काफ़ी सहूलत मिल जाती है और दूसरा इसकी सिग्निफिकेंस एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है हमेशा किसी भी एंट्री टेस्ट के अंदर चाहे वो ये नेशनल कैट हो या फिर इसके अलावा कोई जैसे सेट का एग्ज़ाम है या फिर कोई और दूसरे कोई फॉरेन एंट्री टेस्ट होते हैं उनमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पोर्शन ज़रूर मौजूद होता है जब भी किसी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इस वजह से ये एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है आलमोस्ट कोई एट टू टेन क्वेश्चन इस यूनिट से आने वाले हैं और जाहिर है कि इसके अंदर आपकी अगर ग्रिप होगी तो आप ये बाकी यूनिट्स को भी ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनके भी क्वेश्चन को ज़्यादा बेहतर सॉल्व कर पाएंगे तो आपने बुक के अंदर ये पूरा चैप्टर इसको अच्छी तरह से खंगालना है और साथ साथ ये जो मैं आपको लेक्चर स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा आपने उन लेक्चर स्लाइड्स को भी फॉलो करना है जो एम सी क्यूज असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की जाएंगी उनको भी आपने सॉल्व करते जाना है और इसके अलावा बुक के अंदर भी जितने कॉन्टेंट्स ये हैं उसको भी थॉरली रिव्यू करना है ताकि आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सकें सो हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने इनमें से जो चीज़ें कवर करनी है क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एक काफ़ी बड़ा पोर्शन है और इसको हम किसी एक लेक्चर में कवर नहीं कर पाते हम कम से कम कोई फाइव टू सिक्स लेक्चर इस यूनिट से लेंगे और इसमें आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर करनी है जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे आज के लेक्चर में तो उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बेसिकली ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं और इसके साथ आपको बताते हैं कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ साथ एक और टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स और उनकी टाइप्स क्या होती हैं ये हमें सबसे पहले रिव्यू करनी है क्योंकि आपके पास सिलेबस के अंदर एक टॉपिक uh, दिया हुआ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो ये दरअसल वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सिलसिले में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट और बायो एलिमेंट्स जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से कवर करना है इसके अलावा आज के लेक्चर में हम ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल एक्टिविटीज होती हैं केमिकल प्रोसेसिस होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोलिस एंड अदर इज़ कंडेंसेशन तो इनका भी क्लियर कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि जब हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डील कर रहे होते हैं तो जगह जगह पर हाइड्रोलस या कंडेंसेशन टर्म्स यूज हो रही होती हैं तो इनका कॉन्सेप्ट भी हमें यहीं पर क्लियर करना है अच्छा तो आज के लक्चर के ये आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव मुलाहजा किए तो हम स्टार्ट करते हैं बायलॉजिकल मोलिक्यूल्स हैं बायलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं देखिए बायलोजिकल मोलिक्यूल्स ये जो टर्म आप देख रहे हैं या इसको सिंपली आप बायो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग्स हमारे बॉडीज के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है दैट केमिकल कंपाउंड कैन बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायो मॉलिक्यूल तो हमारे बॉडी के अंदर आप देखें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिनमें अगर हम एक सरसरी सी नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर आपको वाटर भी मिलेगा वाटर के साथ साथ हमें गैसेस भी मिलती हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वगैरह और इसके अलावा बहुत सारे आपको जैसे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स सो so, ये तमाम कंपाउंड्स हमारे बॉडी के अंदर आपको मिलेंगे सो ऑल दीज कंपाउंड्स विच आर द पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायो मॉलिक्यूल्स। अच्छा जब ये बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ होता है मॉलिक्यूल्स के साथ के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो फौरन हमारे माइंड में ऐसा लगता है शायद ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होते हैं ऑर्गेनिक तो ऐसी बात नहीं है देखिए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ ऑर्गेनिक हैं बल्कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक भी हैं जैसे वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है और इसके अलावा ये गैसेस इन ऑर्गेनिक में आएंगी लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स ये ऑर्गेनिक बायोमालिक्यूल हैं लिहाजा कभी भी ये पूछा जाए कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या बोथ ऑफ देम तो आपने क्लियर रखना है कि ये दोनों तरह के हो सकते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सिर्फ ऑर्गेनिक को ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता अच्छा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन डिफरेंट बेसिस जैसे अभी जिक्र हो रहा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो ये जो क्लासिफिकेशन आप देख रहे हैं ना दिस इज एक्चुअली द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन और इसी तरह से हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को उनके वेट के बेसिस के ऊपर भी क्लासीफाई करेंगे तो आप देखिए कि मोलिकुलर कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर अगर आप इनको क्लासीफाई करें तो दो तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आप ऑब्जर्व करते हैं जैसे अभी जिक्र हो रहा था ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स का तो ये दो ग्रुप्स हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बेस्ड अपॉन देयर केमिकल कंपोजिशन और देयर एलिमेंटल कंपोजिशन तो मैंने अभी जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि बायोलॉजिकल मोलिक्यूल सिर्फ ऑर्गेनिक नेचर के नहीं होते ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं तो आपने याद रखना है कि देर आर सर्टेन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वि आर इनऑर्गेनिक एंड अदर आर ऑर्गेनिक इन नेचर नाउ द क्वेश्चन इज वट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो बींग द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री यू शुड नो वट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तो देखिए ऑर्गेनिक आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर बस ये आपने सिंपली याद रखना है कि मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन एलिमेंट भी मौजूद होगा तो अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर नजर आए एक साथ ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो दैट मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और जबकि इन ऑर्गेनिक की तारीफ क्या होगी तो इन ऑर्गेनिक नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर ठीक है इनकी खास पहचान यह है कि इनमें आपको कार्बन मिलेगा तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा इनमें अगर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा ठीक है तो इनमें हो सकता है ये दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो कोई थर्ड टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो तो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ये कभी भी इकट्ठे मौजूद नहीं होते दे नेवर कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर तो ये डिफरेंस है बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पर आपसे कई एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ऑर्गेनिक बायो मोलिक्यूल कौन से हैं इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं तो वो आपको याद होना चाहिए अब देखिए ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की करैक्ट्रिस्टिक्स में जैसे अभी आपको ये बताया कि द मोलिक्यूल्स विच कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन टुगेदर तो ये ऑर्गेनिक मोलिक्यू बायो की खास पहचान है और इस तरह के मॉलिक्यूल्स की मैंने जैसे आपको कहा कि एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए तो ये एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं लिपिड्स हैं प्रोटीन्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स हैं या यहाँ पर तो आपको नेम्स दिए हुए इनके हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल का आपको जस्ट केमिकल फार्मूला दिया जाए मोलिकुलर फार्मूला दिया जाए और पहचानने को कहा जाए कि गैस वाट इज दिस मॉलिक्यूल जैसे मिसाल के तौर पर सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज एन ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। तो इस तरह से आपको ये मॉलिकुलर फार्मूले के जरिए भी ये मॉलिक्यूल्स दिए जा सकते हैं किसी क्वेश्चन के अंदर और उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच वन इज द ऑर्गेनिक और विच वन इज इनऑर्गेनिक और अदरवाइज आपको ये इनके नेम्स भी याद होने चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ये मेजर ग्रुप्स आपको पॉइंट आउट किए ऑर्गेनिक हुआ मोलिक्यूल्स के और डेफिनेटली इन मेजर ग्रुप्स के अंदर बहुत सारी फर्दर सब टाइप्स हैं तो अभी ग्रेजुअली हम इस चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप उन डिफरेंट टाइप्स को भी रिव्यू करते जाएंगे और उनकी

तो आप देखिए कि वाटर हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन हमारी बॉडी में मौजूद है और इसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे ये एन या फिर इसके अलावा दूसरे और बहुत सारे साल्ट हमारे बॉडी का पार्ट हैं सो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स तो ये इस तरह से आपने देखा कि बायो, बायो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी का पार्ट हैं ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है और इनको हमने केमिकल कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर या इनकी एलिमेंटल कंपोजिशन की बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया है इनटू ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था ना कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या बोथ ऑफ देम तो आप यकीन कीजिए ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे करते होते हैं ये कॉमन मिस्टेक है मैंने यहाँ पर तो आप खुद चुके पहले पॉइंट आउट कर दिया था आपको मोहतात कर दिया था तो ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप फ़ौरन उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे लेकिन अगर आपको ये चीज़ इस तरह से पहले से यूँ तमबीना की हुई हो तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन के सामने थोड़े दिन के बाद भी एक्सपोज होंगे तो फ़ौर आपका माइंड स्टर्व जाएगा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स शायद ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं इनऑर्गेनिक कोई नहीं होता फ़ौरन भूल जाता इंसान चले अगर ये बात पता चल भी जाए तो दूसरा एक और क्वेश्चन है जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं तो उस क्वेश्चन में भी आपने केयरफुल रहना है और वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक और, और इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादा अबंडेंस किसकी है हमारी बॉडी में जो प्रोपोर्शनली देखा जाए तो हमारी बॉडी का मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है तो यहां पर भी अक्सर स्टूडेंट का आंसर ये होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो आपने केयरफुल रहना है नो no, हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नहीं है हमारी बॉडी के अंदर जो मोस्ट बंडेंट बायो मोलिक्यूल है वो एक्चुअली वाटर है सेवेंटी परसेंट ऑफ अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर सेवेंटी परसेंट और 70 परसेंट अगर वाटर पर हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है और वाटर एक इनऑर्गेनिक बायो मोलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का मैक्सिमम प्रपोर्शन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक पर नहीं करता तो ये भी कॉमन मिस्टेक है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम प्रपोर्शन हमारी बॉडी का कौन से मॉलिक्यूल्स पर कंसिस्ट करता है तो अक्सर स्टूडेंट इसमें ऑर्गेनिक को पिक कर लेते हैं और यहाँ पर वो गलत गलती कर जाते हैं तो आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हुए अच्छा फिर इसी तरह से आप देखिए कि बा, बायो मॉलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को मोलिकुलर वेट और स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई किया जा सकता है इन बायो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है और इनका मोलिकुलर वेट कैसा है जाहिर है कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा तो मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा हो जाएगा और स्ट्रक्चर अगर सिंपल होगा तो मोलिकुलर वेट भी कम हो जाएगा तो इस तरह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो भी क्लासीफाई बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट तो लेट सी वॉट आर द टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट तो अगेन देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल बायोजिकल बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर एंड मॉलिकुलर वेट सच एज माइक्रो मोलिक्यूल एंड माइक्रो मोलिक्यूल इनके लिए जो कॉमन टर्म्स हम यूज करते हैं वो है माइक्रो मोलिक्यूल एंड मैक्रो मोलिक्यूल अब देखिए इन माइक्रो मोलिक्यूल और माइक्रो मोलिक्यूल्स में क्या फर्क है तो माइक्रो मोलिक्यूल जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है माइक्रो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉलर ठीक तो है तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर दो मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट यहां पर ये माइक्रो लो के सेंस में यूज किया जा रहा है लो के मीनिंग में ये यूज किया जा रहा है वैसे माइक्रो का मतलब होता है अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई ठीक है यहाँ पर ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो वर्ड हम यूज़ नहीं कर रहे कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता और ये मैक्रो मॉलिक्यूल आमतौर पर मैक्रो वर्ड का मतलब होता है विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई तो यहाँ पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई बल्कि यहाँ पर इसको हम लो और हाई के सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो ये आपने याद रखना है अक्सर जो टर्म्स होती हैं टर्म्स के अंदर ये मुख्तलिफ़ प्रिफिक्स और सेफिक्स यूज़ किए हुए होते हैं और उन प्रिफिक्स और सेफेक्स का जो मीनिंग है वो मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर डिफर कर रहा होता है तो ये केयरफुल रहना आपने तो यहाँ पर माइक्रो मॉलिक्यूल में वर्ड माइक्रो टू कैन नॉट बी सीन बाई नाई और इसी तरह से मैक्रो वर्ड रेफर्स टू हाई ठीक है यहाँ पर ये यह हाई के सेंस में यूज़ किया जा रहा है इसी तरह से आगे भी आपको इस तरह के मैं एग्जांपल्स देता रहूँगा जिसमें कहीं पर वर्ड कहीं पॉली वर्ड और कहीं पर इस तरह के मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो मुख्तलिफ टर्म्स के अंदर यूज़ होते हैं और डिफरेंट टर्म्स के अंदर उनका मीनिंग डिफर कर रहा होता है ठीक है जब जैसे आप देखिए कि ये वर्ड अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेंस में आए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं होगा कि द ऑर्गेनिज्म हैज लो मॉलिक्युलर वेट बल्कि वहां पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और इसी तरह से आ, आगे और भी इस तरह की एग्जाम्पल्स आएंगी वो फिर आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा तो बहरहाल माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिकुलर वेट और ये मॉलिक्यूल्स जो लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सिंपल कंपाउंड्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज मोनोमेरिक, इनको मोनोमेरिक भी कहा जाता है मोनोमेरिक का मतलब है कि दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट मोनोमेरिक का मतलब क्या है कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट कंसिस्ट ऑफ सिंगल यूनिट सिंगल यूनिट से क्या है सिंगल यूनिट का मतलब है कि एक छोटा सा यूनिट होगा एक सिंगल यूनिट होगा लेकिन इसके बरक्स आप देखिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये इसके मुकाबले में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं लेकिन इससे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स दे आप आप देख लें ग्लूकोज ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स कंडेंस होकर मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे बट इट्स सेल्फ ग्लूकोज इज अ सिंगल यूनिट कंपाउंड सिमिलरली माइनो एसिड

पर कंसिस्ट करने की वजह क्या है एक्चुअली दे आर कंपोज ऑफ सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स इसके अंदर ये जैसे एक यूनिट दूसरा यूनिट तीसरा यूनिट चूंकि ये सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं यानी ये पॉलीमेरिक होते हैं दे आर एक्चुअली पॉलीमेरिक और इसी वजह से इनका मोलिकुलर वेट हाई हो जाएगा जैसे मिसाल के तौर पर मैनी यूनिट्स कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म स्टार्च तो ये स्टार्च दरअसल एक मैक्रो है ग्लूकोज का सिमिलरली ग्लाइकोजन इज ऑल्सो मेडअप ऑफ ग्लूकोज इवन सेलुलोज इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज तो आप ये देखिए यहां पर इस तरह से भी आपने याद रखना है कि ग्लूकोज इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च या स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इस तरह के एम सीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं या ग्लाइक्रोजन इज द पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग या वेन ग्लाइकोजन इज ब्रोकेच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर इज रिलीज सो so, इस तरह के कई एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपने याद रखना है कि स्टार्च ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ये तीनों दरअसल ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं सेवरल ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक टूगेदर बाई मीन्स ऑफ डिफरेंट लिंकेजेस डिफरेंट वे में इनके लिंक्स डेवलप होते हैं और इस वजह से इनके इनके नेम्स डिफर करते हुए नजर आ रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अभी आगे चलकर आप देखेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट नजर आएंगी आपको क्योंकि डिफरेंट वे में ग्लूकोज इनके अंदर कंडेंस हो रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में आपको स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज मिलेंगे तो ये तीनों पॉलीमर्स हैं ग्लूकोज के सिमिलरली प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द माइनो एसिड माइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट्स हैं और इनके पॉलीमर्स होंगे प्रोटीन्स तो यहां पर भी इनके हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेन आर डाउन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर विल बी तो आपने उसमें अमाइनो एसिड्स को याद रखना है या वैन अमाइनो एसिड्स आर कंडेंस टूगेदर विच ऑफ द फॉलिंग पॉलीमर इज फॉर्म तो ये प्रोटीन बनेगा तो बहरहाल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन जाहिर है कि जब टेस्ट में आप बैठे हुए होंगे और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है कि वो सही तरह से आप अटैम्प्ट कर पाए तो बहरहाल इन चीजों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए और सिमिलरली आप देखिए न्यूक्लियोटाइड्स इनके पॉलीमर्स को कहते हैं डी और आर यानी न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंडेंस होंगे आपस में कंबाइन करेंगे तो ये न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करेंगे और देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए सो so, इस तरह से आपको अब आप मैक्रो मोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स भी मिल गई हैं आपको माइक्रो मोलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स भी मिल गई हैं और इनके आपस में रिलेशनशिप्स भी आपको पता चल गए हैं और आपको यहाँ पर यह भी बता दिया कि माइक्रो मोलिक्यूल में टर्म माइक्रो किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है और माइक्रो मोलिक्यूल में टर्म मैक्रो किस चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो इन तमाम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए अच्छा अब ज़रा आगे हम बढ़ते हैं तो ये जो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं इनके प्रोपोर्शनस हमारे पास बुक के अंदर दिए हुए हैं तो इन प्रपोर्शनस को हमने याद रखना है क्योंकि यहाँ से अक्सर एम में कोई ना कोई एम उठाया जाता है इस टेबल में से ये टेबल आपको बुक में मिल जाएगा तो इसमें आपने इन बायो मोलिक्यूल्स की ये प्रोपोर्शन एक बैक्टीरियल सेल में भी याद रखने हैं जो कि इस वक्त एक प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और इसी तरह से मेमेलियन सेल के अंदर भी इन बायोमोलिक्यूल्स के प्रोपोर्शन आपने याद रखने मेमेलियन सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यू कैरियोटिक सेल तो देखिए ये यू के और प्रोकेरियोटिक सेल के अंदर आपको इनके प्रपोर्शन दिएम है और इनको एज इट इज आपने याद रखना होगा और इसके हवाले से कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं आप देख रहे हैं यहां पर वाटर एक इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है ठीक है दिस इज एन इनऑर्गेनिक और इसके मुकाबले में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स डीएनए आरएनए और इसके अलावा ये एंजाइम्स हॉर्मोन्स वगैरह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं तो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक की अगरचे आपके पास यूँ उस तरह वैरायटी ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल प्रोपोर्शन कम है ओवरऑल प्रोपोर्शनली देखा जाए तो आपको वाटर इज द तो वाटर आपको मोस्ट अबंडेंट बायो मोलिक्यूल मिलेगा विच इज़ सेवेंटी परसेंट ऑफ अवर बॉडी वेट और इसके अलावा आपको ये डिफरेंट इन औरगेनिक आयंस जो कि आइनिक स्टेट में मौजूद होते हैं या फिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में सार्ट्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो ये भी इनआरगेनिक में आपको नजर आएंगे तो एक तो यहाँ पर क्वेश्चन इनकी कैटेगरीज का पूछा जा सकता है कि विच ऑफ़ द फॉलिंग आर ऑर्गेनिक और विच ऑफ़ द फॉलिंग आर इनऑर्गेनिक ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दूसरा यहाँ पर इनके प्रोपोर्शन तो ये प्रोपोर्शन आपको एज इट इज़ याद रखने है और दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि इफ अ पर्सन या इफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज फिफ्टी किलोग्राम इफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैमल इज फिफ्टी किलोग्राम वट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट एनिमल वाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैट एनिमल तो आप जरा सोचें कि अगर उस मैमल का बॉडी वेट फिफ्टी किलोग्राम है ठीक है मैमल का जो बॉडी वेट है वो अगर 50 किलोग्राम दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में उसकी बॉडी के अंदर वाटर का अमाउंट कितना होगा तो आपने फॉरन से गेस्ट करना है कि वाटर इज 70% परसेंट ऑफ द बॉडी वेट और अगर बॉडी वेट 50 के है तो ऑब्वियसली वाटर विल बी 35 फाइव तो इस तरह से आपने फॉरन ये परसेंटेज से काउंट कर लेनी है और यू आपके पास आंसर आ जाएगा तो यू आपको किसी ऑर्गेनिज्म का यूं बॉडी वेट बताकर और उसमें उस, उस बायोमोलिक्यूल का प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है और ये प्रोपोर्शन यूं किलोग्राम्स में भी पूछा जा सकता है और परसेंटेज के अंदर भी पूछा जा सकता है ठीक है तो आपने ये परसेंटेजेस रखनी है जैसे मैंने अभी आपको एक मैमल की एग्जांपल दी तो मैमल ऑफ ऑब्वियसली एक यू है और इसी तरह से आपको किसी बैक्टेरियल सेल

प्रोपोर्शन ऑफ कार्ब प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स इन अ बैक्टीरियल सेल तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड का जो कलेक्टिव प्रोपोर्शन है वो आपने कैलकुलेट करना है और वो आपको अगर इनका इंडिविजुअल प्रोपोर्शन पता होगा 15 परसेंट थ्री परसेंट और 2 परसेंट तो इस तरह से इनका सम करेंगे तो ये बन गया आपके पास 20 परसेंट तो ये 20 परसेंट इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा इन तीनों का आपने कलेक्टिव प्रोपोर्शन वहाँ से पिक करना होगा और इसी तरह से ये क्वेश्चन आपसे किसी मेमिलियन सेल के बारे में पूछा जा सकता है तो ना सिर्फ आपको इन बायोमोलिक्यूस के प्रोपोर्शंस इंडिविजुअली याद होने चाहिए बल्कि आपको इनके ये कलेक्टिव प्रोपोर्शंस कैलकुलेट करना भी पता होना चाहिए और ये तभी मुमकिन हो सकेगा कि आप अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चंस को डील कर रहे होंगे अगर ज़रा भी आपका दिमाग इधर उधर होगा तो ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है अच्छा तो उससे हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है अभी हमने इसका जिक्र भी किया था कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ बायोमोलिक्यूज इन ह्यूमन बॉडी तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था कि ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का गलत आंसर पिक करते होते हैं लेकिन अब आप चूँकि चीज़ें लर्न कर चुके हैं तो आप यकीनन सही आंसर यहां पर पिक करेंगे जी बिल्कुल यहां पर जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर तो आप कभी भी ये माइंड में न, ना ना रखिएगा कि बायोमोलिक्यूल सिर्फ ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं तो ये दोनों नेचर के हैं तो राइट आंसर इज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नेचर इसी तरह से आप देखिए एक और क्वेश्चन जिसका भी हमने जिक्र किया था कि वट यू नो अबाउट द क्वान्टिटी ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन द ह्यूमन बॉडी इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी क्वांटिटी देन देन इन 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 ऑर्गेनिक या प्रेजेंट लेस ऑर्गेनिक पहली वाली बात तो दुरुस्त नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर आपने ये लेक्चर नहीं लिया होता तो या जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया होगा वो डेफिनेटली ये पहले वाले ऑप्शन की तरफ जाएंगे लेकिन ये पहला ऑप्शन गलत है ठीक है ना ये मोर क्वांटिटी में नहीं है इन ऑर्गेनिक से ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो राइट right आंसर यहां पर ये यह होना चाहिए लेकिन मजीद ऑप्शन देखिए कि प्रेजेंट इन इन सेम सेम क्वांटिटी क्वांटिटी एज ऑर्गेनिक भी नहीं है सम टाइम प्रेजेंट इन हायर क्वांटिटी नो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जहां पर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल इन ऑर्गेनिक से ज्यादा हो हमेशा वाटर की कंसेंशन ज्यादा होती है तो यह भी नहीं हो सकता यह टाइम प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी ऐसा भी नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म में ये कम हो तो किसी में ज्यादा हो इससे मतलब ये नहीं कर रहा है कि शायद कोई ऑर्गेनिज्म हो जहां पर ज्यादा भी हो तो ये भी नहीं है तो राइट आंसर इसका क्या बन गया देखिए आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी देन इन ऑर्गेनिक तो ये इस तरह के क्वेश्चंस यूं पूछे जा सकते हैं लेकिन जिन बच्चों ने जाहिर है कि ये प्रॉपरली इसको स्टडी नहीं किया होगा वो यहां पे मार खा जाएंगे लेकिन इन अब आप चूंकि ये प्रिपेयर हो रहे हैं साथ साथ एक एक चीज़ को देख रहे हैं जो इस तरह की टेक्निकल मिस्टेक्स ज़्यादातर बच्चे कर रहे होते हैं वो चीज़ें हम आपको लेक्चर के दौरान पॉइंट आउट कर रहे होते हैं आपने इनको ग्रिप करते जाना है तो ऐसी सूरत में आप देखिएगा कि आपकी प्रोपरेशन बाकी बच्चों से बहुत बेहतर हो जाएगी अच्छा बच्चों तो उसके बाद हम अब बात करते हैं बायोजीनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स की ठीक है बायो एलिमेंट्स या इनको बायोलॉजिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एलिमेंट्स या फिर इनके लिए आप देख रहे हैं कि एक और टम बायोजीनिक एलिमेंट भी यूज की जा रही है सो so, ये क्या चीज होती है बायोजीनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स बेसिकली दीज आर द केमिकल एलिमेंट्स व्हिच आर फाउंड इन द लिविंग बॉडी द केमिकल एलिमेंट्स दैट आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग्स दे आर कॉल्ड बायोजीनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स जिस तरह से अभी हमने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया था बिल्कुल उसी तरह से आपने बायोजेनिक एलिमेंट्स या बायो एलिमेंट्स को भी डिफाइन करना है अच्छा इसमें बायो एलिमेंट्स या बायोजीनिक एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो कितने हैं तो आप देखिए जो नेचर के अंदर नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स उनकी तादाद है कोई 92 वैसे तो आपको पीरियोडिक टेबल में कोई 109 सौ से भी ज्यादा आपको एलिमेंट्स मिलते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वो सारे के सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नहीं है उनमें से जो नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 टू हैं एंड आउट ऑफ दीज नाइन्टी टू नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स इन ह्यूमन बॉडी ओनली सिक्सटीन आर प्रेजेंट ये सब के सब हमारे बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है ठीक है जितने भी नेचर के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं ऑल ऑफ देम आर नॉट बायो एलिमेंट्स ओनली सिक्सटीन ऑफ देम आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी एंड दे आर कंसिडर्ड एज बायोजीनिक या बायो एलिमेंट्स तो चले ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इन सिक्सटीन को बायो एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे लेकिन अगर हम ये ह्यूमन के अलावा बाकी एनिमल्स को और प्लांट्स को भी और प्रोकैरियोट्स को भी इसमें शामिल कर लें तो ये लिस्ट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और ये लिस्ट थोड़ी सी एक्सटेंड होने के बाद ये तकरीबन कोई 25 के करीब जा पहुंचती है लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि ये सारे 92 टू के नाइनटी ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर प्रजेंट हों क्योंकि कुछ लिविंग बींग्स के अंदर आपको बायो एलिमेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस नज़र आएगा लेकिन यहाँ पर जो अब हम ह्यूमन के अंदर 16 बायो एलिमेंट्स का जिक्र करने जा रहे हैं ये 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन के अलावा बाकी तमाम लिविंग बींग्स में भी ज़रूर मौजूद होते हैं ये अलग बात है कि कुछ लिविंग बींग्स में इन एडिशन टू दीज सिक्सटीन बायो एलिमेंट्स सम अदर एलिमेंट्स में आल्सो भी प्रेजेंट तो इस वजह से ये लिस्ट थोड़ी सी एक्सटेंड हो रही है अदरवाइज़ ये 16 एलिमेंट्स जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं ये बाकी लिविंग बींग्स में भी आपको जरूर मिलेंगे इन बायो एलिमेंट्स की डिटेल ये आपके सामने है आपके पास बुक के अंदर ये इस तरह से एक ग्राफ की फॉर्म में और ये एक टेबल की फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन गिवन है इसमें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ बायो एलिमेंट्स के बारे में प्रोपोर्शंस बताए गए हैं ये आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% परसेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं यानी मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ अवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ओनली दीस सिक्स बायो एलिमेंट्स तो ये सिक्स बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम प्रोपोर्शन कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन सिक्स बायो एलिमेंट्स को कहते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स असल में इन बायो एलिमेंट्स को बेस्ड अपॉन देयर प्रोपोर्शन कैटेगराइज किया हुआ है इनटू मेजर बायो एलिमेंट्स माइनर बायो एलिमेंट्स और इसके अलावा ट्रेस बायो एलिमेंट्स तो ये तीन ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया है और ये तीन ग्रुप्स किस बुनियाद पर हमने बनाए किस बेसिस के ऊपर इन तीन ग्रुप्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तो आप याद रखो कि जो एलिमेंट एटलीस्ट वन परसेंट मौजूद है एटलीस्ट वन परसेंट ऑफ आवर बॉडी वेट अगर उसका प्रोपोर्शन है एटलीस्ट वन परसेंट यानी वो वन परसेंट या उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम नहीं तो ऐसे एलिमेंट को आप मेजर बायो एलिमेंट कंसिडर करेंगे जैसे आप ये देखिए कि ऑक्सीजन सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ आवर बॉडी वेट है कार्बन इसके मुकाबले में एटीन परसेंट है हाइड्रोजन टेन परसेंट नाइट्रोजन थ्री परसेंट कैल्सियम टू परसेंट और फॉस्फोरस इनमें सबसे कम है यानी दैट इज वन परसेंट अगर फॉस्फोरस का अमाउंट वन परसेंट से भी कम होता है तो फिर हम इसको मेजर की कैटेगरी में इंक्लूड ना करते तो मेजर एलिमेंट्स आपने याद रखना है वॉट आर मेजर एलिमेंट्स मेजर एलिमेंट्स आर दोज विच आर प्रेजेंट एटलीस्ट इन वन परसेंट यानी वन परसेंट से ज्यादा हो सकते हैं बट नॉट लेस देन वन परसेंट तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेजर बायो एलिमेंट्स उनमें इनके नाम दिए जा सकते हैं ऑप्शंस के अंदर या इनके क्वांटिटी के लिहाज से ऑप्शन सेट किए जा सकते हैं तो आपने ये केयरफुल रहना है कि मेजर बायो एलिमेंट्स उनकी जो मैंने आपको ये करेक्ट्रिस्टिक्स बताई हैं कि ये सिक्स मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और इनका प्रोपोर्शन कम से कम वन परसेंट ज़रूर होगा उससे ज़्यादा हो सकते हैं उससे कम नहीं होंगे तो ये क्वांटिटी की बेसिस के ऊपर एक ग्रुप मेजर बायो एलिमेंट्स का है तो आपको ये मेजर बायो एलिमेंट्स के इंडिविजुअल प्रोपोर्शंस भी याद रखने यहाँ पर किसी एम सी क्यू में आपसे ये इनमें से किसी भी एलिमेंट का इंडिविजुअल प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है तो ये रट्टा मारना है आपने अच्छी तरह से इनको याद करना इन फिगर्स को और जैसे अभी मैंने आपको मॉलिक्यूल्स में भी शो किया था कि बायो, बायो मॉलिक्यूल्स के केस में भी आपसे टू और थ्री बायोमोलिक्यूल्स का कलेक्टिव प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है सिमिलरली यहां पर भी आपसे कलेक्टिव प्रोपोर्शन पूछा जा सकता है मिसाल के तौर तो पर ऑल द सिक्स मेजर बायोलिमेंट्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी तो 99 परसेंट yeah. या ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट व्हाट परसेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी तो आप इन तीनों को समअप कर लेंगे या फिर नाइट्रोजन कैल्शियम फॉस्फोरस ये मिलकर कितना पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करें तो आप इनको समअप कर लेंगे तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं इन पर आपकी तवज्जा होनी चाहिए और ये तभी मुमकिन होगा अगर आप इनको याद रख पाएंगे अच्छा इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपको ये जस्ट एक ग्राफ दिखाया जाए और ये लेबलिंग ना की हुई हो कि ऑक्सीजन ये कार्बन है हाइड्रोजन है तो आपसे इस ग्राफ में यूँ इस तरह से ऑप्शंस में पूछा जाए कि ये फ़र्स्ट बार किसका हो सकता है सेकंड किसका हो सकता है थर्ड किसका हो सकता है और मुख्तु ऑप्शन में इनकी अरेंजमेंट यूँ करके दी जाए तो आपको पहचानना चाहिए ये आपने सीक्वेंस याद रखना है सबसे ज़्यादा क्वान्टिट्टी आपको ऑक्सीजन की मिल रही है कार्बन फिर उससे कम है हाइड्रोजन उससे कम है तो इस तरह से ये ग्रेजुअली कम होता जा रहा है फिर देखो यहां पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे मोस्ट बर्डेंट बायो एलिमेंट का पूछा जाए मोस्ट बर्नेंट बायो एलिमेंट तो ये मोस्ट बर्डेंट बायो एलिमेंट कौन सा है ऑक्सीजन फिर इसी तरह से आपसे देखिए ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉरिंग इज लीस्ट बर्डेंट लीस्ट बर्डेंट बायो एलिमेंट तो बेटे जब आपसे लीस्ट बर्डन बायो एलिमेंट पूछा जाए तो आपने ये डायरेक्टली फॉस्फोरस को पिक नहीं कर लेना लीस्ट बर्डन हो सकता है कि वहाँ पर ऑप्शन के अंदर ये इनमें से कोई दिया हुआ हो तो आपने फिर उसके मुताबिक चूज़ करना है जैसे अगर लीस्ट बर्डन की बात करें तो लीस्ट बर्डन में ये जो ट्रेस एलिमेंट्स है ना इनमें से कोई एक लीस्ट बर्डन हो सकता है इनमें से कोई एक लीस्ट बर्डन हो सकता है क्योंकि इनका अमाउंट सबसे कम होता है तो आ, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से पूछा गया लीस्ट अबंडेंट मेजर बायो एलिमेंट तो लीस्ट अबंडेंट मेजर बायो एलिमेंट फिर फॉस्फोरस ही होगा लेकिन अगर मेजर का जिक्र नहीं किया हुआ तो आपको फिर केयरफुल रहना है कि मेजर एलिमेंट्स के अलावा यहां पर अगर कोई माइनर है तो फिर वो होगा और माइनर के अलावा अगर कोई ट्रेस एलिमेंट भी है तो यहाँ पर आंसर फिर वो होगा तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं अच्छा फिर ये देखिए मेजर बायो एलिमेंट के बाद माइनर बायो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनका प्रोपोर्शन कितना है माइनर बायो एलिमेंट्स हमेशा ये लेस देन वन परसेंट होते हैं इनका प्रपोर्शन हमेशा आपको वन परसेंट से कम मिलेगा बट मोर देन मोर देन जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट आपको मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट से ज्यादा आप देखिए कि सबसे कम जो माइनर एलिमेंट क्वांटिटी वाइज प्रेजेंट है वो है मैग्नीशियम जीरो पॉइंट जीरो फाइव परसेंट और बाकी आप देख रहे हैं इससे ज्यादा आपको मिल रहे हैं लेकिन 0.05 परसेंट और इवन 0.01 तक ये कैपेसिटी थी यहाँ पर कोई भी माइनर बायो एलिमेंट के लिए लेकिन अगर कोई 0.01 से लेस होगा तो फिर उसको ट्रेस एलिमेंट में आप कंसिडर करेंगे तो ट्रेस एलिमेंट्स इनके प्रोपोर्शन यहाँ पर अगरचे नहीं दिए हुए क्योंकि इनके प्रोपोर्शन बहुत ही कम होते हैं ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मौजूद होते हैं इसी वजह से नाम इनका ट्रेस एलिमेंट है यानी ये जस्ट ट्रेसिस में मौजूद हैं यानी इनका जस्ट निशान मौजूद है हमारे बॉडी के अंदर लेकिन इसका ये हरगस मतलब नहीं है कि इम्पॉर्टेंस वाइज देखा जाए तो ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये कम इम्पॉर्टेंट हैं माइनर एलिमेंट्स उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और मेजर एलिमेंट्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऐसे नहीं है इवन हमारे बॉडी के अंदर कोई ट्रेस एलिमेंट भी मिस हो जाए तो ऐसी सूरत में हमारी सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाती है तो सर्वाइवल के लिए ऑल दीज एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट उसमें कोई ऐसा इनमें फ़र्क नहीं है कि इनमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कौन सा कम तो बस ये हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी वाइज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर इनकी एक्रेंस की बुनियाद पर या डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स में इनकी एक्रेंस की बुनियाद पर इनको हमने यू इस तरह से क्लासिफाई किया इन टू थ्री ग्रुप्स तो यहाँ पर भी बेटे उसी तरह के जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं इधर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनके ऊपर भी आपकी तवज्जा हो और इसके अलावा इनकी कैटेगरीज पूछी जा सकती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर बायो एलिमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइनर बायो एलिमेंट या फिर ट्रेस एलिमेंट तो ये इन क्वेश्चन को आपने डील करना है अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक और चीज़ जो हमने ऐड की भी है वो है इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म यानी जिसमें अभी हमने जिक्र किया था हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन का तो इन दोनों को भी हमने क्लियर करना है पहले हम जरा मेटाबॉलिज्म की टर्म को यहां इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बाद फिर इसका रिलेशन बताते हैं इन दोनों टर्म्स के साथ देखिए मेटाबॉलिज्म इसको आमतौर पर डिफाइन किया जाता है कि सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच अकर इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग सम ऑफ सम इन अ लिविंग बीइंग किसी भी लिविंग बींग में जो रिएक्शंस पाए जाते हैं उनका सम उनका कलेक्शन उन रिएक्शंस का कलेक्शन मेटाबॉलिज्म कहलाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो तमाम रिएक्शंस को आप इन जनरल मेटाबॉलिज्म कहेंगे मेटाबॉलिज्म ये लिविंग बींग्स की खास करेक्टरिस्टिक है आप याद रखिए कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को मेटाबोलिज्म नहीं कह सकते मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आप, आप अगर आउटसाइड द बॉडी किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी लैब के अंदर आप कोई केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इवन वो केमिकल एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर भी परफॉर्म होती है बट हम अगर उस केमिकल एक्टिविटी को बाहर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या वो केमिकल एक्टिविटी मेटाबोलिज्म होगा नो दैट केमिकल एक्टिविटी विल नॉट बी मेटाबोलिज्म तो मेटाबोलिज्म टर्म इज स्पेसिफिक टू लिविंग बींग यानी वेन द केमिकल रिएक्शंस अकर इन द लिविंग बींग

मेजर टाइप्स होती हैं आप बहुत अरसे से छोटी क्लासेस से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं मेटाबॉलिज्म में एक टाइप को कैटाबॉलिज्म और दूसरे टाइप को एनाबॉलिज्म कहा जाता है असल में ये जो कैटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म बेसिकली ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं कैटाबॉलिज्म आर एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है दीज आर डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस इनमें केमिकल कंपाउंड को ब्रोकन डाउन किया जाता है इसके अंदर क्या होगा इसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इनको ब्रोकन डाउन किया जाता है और इस तरह के ब्रेक डाउन प्रोसेस के अंदर नॉर्मली वाटर ऐड किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल मॉलिक्यूल्स देर फोर दीज कैटाबोलिक रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉर हाइड्रोलिस टाइप ऑफ रिएक्शंस और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट कैटाबोलिज्म इन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एक्टिविटी कैटाबोलिज्म ये कौन सी केमिकल एक्टिविटी पर मुश्तमिल होते हैं तो उस केमिकल एक्टिविटी को आपने याद रखना है हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस क्या है हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन टू सिंपलर मॉलिक्यूल बाई द एडिशन ऑफ वाटर कीप इन योर माइंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर ये ब्रेक डाउन होगा मॉलिक्यूल का और इस तरह से मॉलिक्यूल सिम्पलर फॉर्म में आ जाएंगे यानी मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई माइक्रो मोलिक्यूल मौजूद है माइक्रो मोलिक्यूल तो वो माइक्रो मोलिक्यूल वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा इन टू माइक्रो मोलिक्यूल्स तो इस तरह से ये ब्रेक डाउन रिएक्शंस कैटाबोलिज्म कहलाते हैं और इसमें कौन सी केमिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है दैट केमिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऐसे so, रिएक्शंस जब भी परफॉर्म होते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें ना सिर्फ वाटर ऐड होता है बल्कि एनर्जी भी लिबरेट होती है दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द कैटाबोलिज्म देखो यहां पर ये यह जितनी भी प्रॉपर्टी पॉइंट आउट की जा रही है इनको याद रखना है आपने इनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे विच ऑफ द फॉलिंग इज ट्रू अबाउट कैटाबोलिज्म या विच ऑफ द फॉलिंग इज इन करेक्ट अबाउट कैटाबोलिज्म ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं तो आपने इन तमाम प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है कि कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ कंप्लेक्स मॉलिक्यूल इंटू सिंपलर कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व हाइड्रोलिस एंड कैटाबोलिज्म इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ एनर्जी तो इसमें इनर्जी भी रिलीज हो रही है ये सारी प्रॉपर्टीज कैटाबोलिज्म से रिलेटेड और इनको डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहा जाता है ऑन द अदर हैंड एना को आप कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन रिएक्शन या इनको दूसरे लफ्जों में सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हो सिंथेसिस यानी इसमें हो क्या रहा है इसमें कोई सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे हैं द सिंपल मॉलिक्यूल आर कन्वर्ट इन टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तो जब कोई सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल बनने जा रहा है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रो मॉलिक्यूल। यानी मोनोमर्स मोनोमर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू पॉलीमर्स तो इस तरह के जो रिएक्शन हैं ये एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं एंड वेन अवर सच रिएक्शंस टेक प्लेस ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड वाटर मोलिक्यूल आर ऐसे रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे एंड देयर फॉर दीज और इन अदर वर्ड्स अगर आपसे पूछा जाए केमिकल एक्टिविटी तो उस केमिकल एक्टिविटी को क्या कहते हैं कंड कंडेशन रिएक्शन इनवॉल्व रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देयर फॉर कंडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिज रिएक्शन इनको डी हाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस क्यों कहते हैं भाई क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है इन रिएक्शंस के दौरान और सिंथेसिस क्यों क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है तो इस वजह से एनाबोलिक रिएक्शंस आर एक्चुअली कंडेंसेशन रिएक्शंस और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शंस और जब भी बेटे ऐसे रिएक्शंस परफॉर्म होंगे जब भी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी तो उसमें जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल तो अगर चे लिबरेट होता है लेकिन एनर्जी स्टोर हो रही होती है क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का जो अमाउंट है वो थोड़ा थोड़ा मौजूद है बट वेन मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा और उसके अंदर एनर्जी का अमाउंट सिंपल मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा और इन दिस वे स्टोरेज ऑफ एनर्जी ठीक है तो आपने ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है एनाबोलिज्म से रिलेटेड कि ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन या सिंथिस रिएक्शन हैं इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूज इंटू कम्पलेक्स मॉलिक्यूल या देवॉल्व द कन्वर्जन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल माइक्रो मोलिक्यूल्व द रिलीज ऑफ एच टू ओ देशन दे स्टोरेज ऑफ एनर्जी सो दिस प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू एनाबोलिज्म सो so, यहां पर भी वैसे ही क्वेश्चन हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनाबोलिज्म और करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनाबोलिज्म तो ये आपको क्लियर होना चाहिए तो अब आपको हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन काफी हद तक क्लियर हो गया लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है यहां पर जब हम बात हाइड्रोलिसिस की करते हैं कि हाइड्रोलिसिस इज द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपलर तो इसमें आपने केयरफुल रहना है कि समटाइम इन सर्टन रिएक्शन वाटर इज एडेड बट द कम मॉलिक्यूल इज नॉट ब्रोकन डाउन बल्कि क्या होता है कि वाटर बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल सो सच रिएक्शन आर नॉट हाइड्रोलिस रिएक्शन ठीक है सच रिएक्शन आर कॉल्ड हाइड्रेशन रिएक्शन कीप इन योर माइंड हाइड्रेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिस आर टू डिफरेंट थिंग्स हाइड्रेशन क्या है

तो ये इस तरह से ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट है अच्छा इसको फर्दर हम यहां पे देखते हैं हाइड्रोलिस और कंडेंसेशन आप देख रहे हैं जैसे ये दो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं विच आर गोइंग टू कंडेंस टूगेदर मोनोमेरिक यूनिट्स जो होते हैं जो कंडेंस होते हैं उन मोनोमेरिक यूनिट्स में विच आर रेडी टू कंडेंस टूगेदर उनमें एक मोनोमर ड्यूरिंग कंडेंसेशन अपना ओच लिबरेट करता है और दूसरा मोनोमर ड्यूरिंग कंडेंसेशन अपना एच लिबरेट करता है और दोनों के ये कंपोनेंट्स जब कंबाइन होंगे तो ये दोनों कंबाइन होकर आप देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये लिबरेट हो गया यहाँ और जबकि दीज टू मोनोमर्स आर नाउ लिंक टुगेदर बाय मींस ऑफ अ बॉन्ड देखो ये एक बॉन्ड की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है डिफरेंट अभी आप जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स देखेंगे वहाँ पर ये बॉन्ड डिफरेंट नेम से कॉल किए जाते हैं मिसाल के तौर पर अभी आप आगे देखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स में इनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहा जाएगा इसी तरह से लिपिड्स में इनको ईस्टर बॉन्ड्स कहा जाएगा इसी तरह से आप अभी आप आगे प्रोटीन्स की में इनको पेप्टाइड बॉन्ड्स के नाम से देखेंगे या फिर न्यूक्लिक एसिड्स में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होंगे तो डिफरेंट बायो मोलिक्यूल्स में आगे चलकर आपको डिफरेंट नेम्स इन बॉन्ड्स के लिए नजर आएंगे लेकिन आपने ये याद रखना है कि वेन एवर कंडन अकर्स द माइक्रोमोलिक्यूल्स लिबरेट हाइड्रोक्साइल एंड हाइड्रोजन वन वाटर मोलिक्यूल वन माइक्रोमोलॉलिक्यूल लिबरेट्स हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड द अदर माइक्रोमोलिक्यूल लिबरेट्स हाइड्रोजन एटम सो बाय द कंबिनेशन ऑफ दीज टू एटम वाटर मोलिक्यूल फॉर्म एंड द टू माइक्रो मोलिक्यूल आर लिंक टूगेदर बायस ऑफ अ बॉन्ड एंड इन दिस वे कॉम्पलेक्स फॉर्म तो जब ये मोनोमर्स दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल बनेगा दैट मोलिक्यूल विल बी कॉर्ड डायमर डायमर उसे कहा जाएगा जैसे यहां पर मोनो मोनो का मतलब था वन मोनो मीन्स वन और मर मर जो है ये यूज कर रहे हैं हम यूनिट के लिए मोनोमर मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ वन यूनिट और फिर इसी तरह से यहां पर डाई डाई का मतलब है टू तो यहां पर मर अगेन वो यूनिट के लिए वर्ड यूज किया है तो डायमर यूनिट्स अंडरस्टैंड तो अब यहां पर देखो आपसे क्वेश्चन हो सकता है तो आपस में कंडेंस करेंगे तो वन डायमर विल बी फॉर्म्ड अच्छा इसी तरह से आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेन टू मोनोमर्स आर कंडेंस टूगेदर हाउ मैनी बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड तो याद रखो कि जब दो मोनोमर्स कंडेंस हुए तो बॉन्ड एक ही बनेगा ऐसा नहीं है कि आप यहां पर मोनोमर्स का नंबर देखें टू मोनोमर्स हैं तो बॉन्ड भी टू कंसिडर कर लें तो यह गलती हो जाएगी और फिर इसी तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि वेन टू मोनोमर्स आर कंडेंस टूगेदर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिबरेटेड तो अगेन यहां पर आपने टू मोनोमर्स टू वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एक ही लिबरेट हो रहा है क्योंकि एक बॉन्ड बन रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल तो आपने यहां पर नोट किया कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिबरेटेड इनके दरमियान रेशो क्या है वन रेशो वन इस तरह की बात भी पूछी जा सकती है अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो आप देख रहे हैं कि ये जो कंडेंसेशन है कंडेंसेशन, इसका रिवर्स क्या होगा कंडेंसेशन का रिवर्स है हाइड्रोलिसिस यानी वेन अ डायमर डायमर इज एडेड विद अ वाटर मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन तो जब डायमर में आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो क्या होगा कंडेंसेशन होगी हाइड्रोलिसिस ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस या बोथ ऑफ देम नहीं आपने केयरफुल रहना है कि वेन अ डायमर इज एडेड वाटर मॉलिक्यूल देन हाइड्रोलिसिस अकर्स और एज अ रिजल्ट क्या चीज बनेगी टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स विल बी मोलिक्यूल टू मोनोमर्स विल बी मोनोम क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक मोनोमर के पास चला जाएगा और उसका हाइड्रोजन एटम दूसरे मोनोमर के पास चला जाएगा और इस तरह से वो लिबरेट हो जाए सो so, इस तरह से ये कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर ये एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है ठीक है जी अच्छा ना सिर्फ ये डायवर की फॉर्मेशन के दौरान ये एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी बल्कि इसी तरह से वेन पॉलीमराइजेशन अकर्स पॉलीमराइजेशन का मतलब है कि अ पॉलीमर इज या फिर जब किसी पॉलीमर का ब्रेकडाउन होगा तो तब भी इसी तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म होनी है पॉलीमराइजेशन क्या है पॉलीमराइजेशन का मतलब यह होगा कि वेन एवर मोर देन टू मोनोम इसमें देखो दो से ज्यादा मोनोमर्स जब भी कंडेंस होंगे तो वो पॉलीमराइजेशन है अगर तीन कंडेंस होंगे तो ये भी पॉलीमराइजेशन है चार कंडेंस होंगे ये भी पॉलीमराइजेशन है फाइव कंडेंस हो रहे है हो रहे हैं हैं या सिक्स कंडेंस हो हो तो ये सारी पॉलीमराइजेशन रही है और पॉलीमराइजेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहे हैं कि जैसे मिसाल तो के तौर पर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है यूं आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि यूं डायग्राम दिखाई जाए और पूछा जाए कि हाउ मेनी माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर

कोई डायमर टाइप का मॉलिक्यूल है या फिर ये कोई ट्राइमर है ट्राइमर जैसे डायमर कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स तो ट्राइमर कंसिस्ट ऑफ थ्री यूनिट्स या टेट्रामर है टेट्रामर, या पेंटामर है या फिर हेक्सामर है तो इस तरह से ये आपको मुख्तु टर्म्स यहाँ पर दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है कि वेन सिक्स माइक्रो आर कंडेंस टुगेदर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल बी प्रोड्यूस्ड या फिर यूं भी जैसे अभी मैंने सवाल पूछे थे आपसे कि वेन सिक्स मोलिक्यूल माइक्रो मोलिक्यूल आर तो कंडेंस टूगैदर हाउ मैनी वाटर विल बी मोलिक्यूलिज तो गैस करें हाउ मैनी वाटर मोलिक्यूल विल बी रिलीज तो जितने माइक्रो मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद उनसे एक कम होती है ठीक है वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद उनसे एक कम होगी अगर ये माइक्रो मोलिक्यूल सिक्स हैं तो ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल विल बी फाइव और अगर ये फाइव माइक्रो मोलिक्यूल होते हैं तो फिर ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद फोर हो जाती तो ये आपने एक कम रखना है और इसी तरह से आप देखिए इसका जो रिवर्स होगा रिवर्स क्या है इसका रिवर्स है हाइड्रोलिस यानी वेन हैगजर इज एडेड विद फाइव वाटर मोलिक्यूल तो हाउ मैनी माइक्रो मोलिक्यूल्स विल बी लिबरेटेड तो हेग्जामर अगर टूटेगा तो सिक्स यूनिट्स लिबरेट होंगे या यूं पूछा जा सकता है कि फॉर द ब्रेक डाउन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ हेग्जामर टाइप ऑफ पॉलीमर हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड तो फॉर द कंप्लीट हाइड्रोलिस आप देखें फाइव वाटर मॉलिक्यूज रिक्वायर्ड सिक्स नहीं है तो बेटे यहां पर ये थोड़ा थोड़ा नंबर्स का फर्क है इसको केयरफुल रहना है इधर मिस्टेक होने का बड़ा चांस है अक्सर बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं तो आपने केयरफुल रहना है आपने यो मिस्टेक्स नहीं करनी है ठीक है अच्छा तो अब आप देखिए कि ये काफी हद तक आपको चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं तो इसके हवाले से एक दो क्वेश्चन यहां पर हम टैकल कर लेते हैं जैसे आपके सामने देखो ये बात हो रही है कि when फाइव monomers are condensed together, which of the following will be produced? ये मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था तो अब देखो कि five monomers ये कंडेंस हो रहे हैं तो five monomer molecules बनेंगे या फिर two dimer and one monomer molecule, या one trimer and one ऐसा नहीं है जब वो सारे कंडेंस टूगेदर हो रहे हैं तो कोई एक ही चीज बनेगी ऐसे नहीं है आपने आ, कहना है कि ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है ऐसा नहीं है देखो इसमें क्या बनेगा

तो फाइव मोनोमर्स कंडेंस हो रहे हैं तो नंबर वाटर मॉलिक्यूल फोर तो यहां पर राइट right आंसर आपके पास फोर होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं बज़ाहिर आज का ये जो लेक्चर था इसमें हमने बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है ये चीज़ें आप लोगों के लिए अनफेमिलियर नहीं है आप सब लोग इन इनसे बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर हैं लेकिन यहाँ पर जो मैंने छोटी छोटी सी बातों को उठाया है बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर वो फोकस नहीं करते और मिस्टेक कर जाते हैं तो आपने बच्चों केयरफुल रहना है आपने प्रिपेयर करते हुए इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है और ख़ास तौर पर जब आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हों तो वहाँ पर आपने किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना आप बहुत तसली से उसको आप रीड करें क्वेश्चन को उसमें क्या बात पूछी जा रही है क्योंकि बाज़ात एक दफ़ा जब आप रीड करते हैं ना तो माइंड एक्सेप्ट नहीं करता उसमें ख़्याल कोई और चल रहा होता है तो ऐसी सूरत में आप फ़ौरन आंसर पिक करते हैं तो गलत हो जाता है आप एक दफ़ा फिर दोबारा रीड करें जब तक आप का माइंड उस तरफ आना जाए उस क्वेश्चन के ऊपर तब तक आप उसके आंसर की तरफ ना जाएं तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है इसकी रीडिंग बहुत मैटर करती है तो इनमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें आगे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उनमें ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो इन शाला ग्रेजुअली आप देखिएगा कि इस यूनिट के भी जो फ़र्दर टॉपिक्स हैं उनको हम इसी तरह से बहुत डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को उठाएंगे और आपकी प्रिपरेशन इनशाला बहुत अच्छी होती चली जाएगी होती चली जाएगी तो बाकी जो कॉन्टेंट्स uh, हैं इस यूनिट uh, के इनशाला फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं आज का लेक्चर हम यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिलो सो दैट यू कुड बी नोटिफाइड अबाउट एनी न्यू वीडियो लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजी गार्डियन And also, do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.